असलम एवरी वन दिस इज़ आर हसनैन एंड आई एम बैक वन अदर ट्रेडिशनल टो गज़ मुझे अजरक पर्सनली बहुत बहुत पसंद है और ऑफ़कोर्स पसंद होनी भी चाहिए क्योंकि हमारी पाकिस्तानी सकाफत है और अजरक वैसे भी बहुत खूबसूरत होती है बट मैंने उसको मज़ीद मॉडिफ़ाई करने के लिए कुछ लेसेस का इस्तेमाल करा है और आप जो ये ब्लैक एक्स्ट्रा कपड़ा देख रहे हैं ये मैंने कट कर दिया था क्योंकि मुझे यहाँ पर लेसेस लगानी थी कुछ साइड लेसेस थी और कुछ सेंटर लेसेस थी अच्छा जी तो मैंने किया क्या कि जो आप ये साइड जो इसका देख रहे हैं ना यहाँ से मैंने उसको क्योंकि ये पूरी फुल साइज नहीं थी ये छोटा मफलर टाइप का था आ, बड़ी वाली अजरक नहीं थी छोटी थी तो फिर मैंने इसको इस तरह यहाँ बीच में से कट कर दिया और कट करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर लेसेस का इस्तेमाल किया जो कि सेंटर लेसेज़ होती हैं वो किस तरह लगती हैं वो मैं आज आपको यहाँ पर लगाना बताऊँगी अच्छा जी वीडियो का एंड तक जरूर देखना है वीडियो का स्किप नहीं करना है क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी वीडियो है नहीं बहुत छोटी सी वीडियो है तीन मिनट की वीडियो है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखिएगा मुझे इतना शदीद नज़ला हो रहा है फिर भी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ आई मीन वॉइस ओवर कर रही हूँ अच्छा जी बच्चा हमारा सो रहा है वीडियो हमें शूट ही नहीं करने देता आई मीन यू नो वॉइस ओवर नहीं करने देता अच्छा जी जो है आप देख रहे हैं इस तरह से मैंने लेस को रख दिया उल्टा करके और फिर इस पे हम सिलाई लगा देंगे तो अगर आप खुद सीने वाले हैं तो आप खुद इस तरह सी सकते हैं अगर आप टेलर से सिलवा दें तो टेलर को दिखा देगा वो इस तरह लगा देगा लेस इस तरह जी जनाब हमने इसमें लगा दी है लेस और फिर बीच में से कट कर दिया और ये लेस हमारी रेडी हो गई बच्चे पे भी थोड़ी बहुत नजरें कि उठ ना जाए क्योंकि बीच बीच में उठ जाता है और फिर मेरी जो वॉइस ओवर है वो रह जाता है काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही हूँ कि मैं वॉइस ओवर करूँ वॉइस ओवर करूँ वीडियो तो काफ़ी टाइम की बनी हुई है बट वॉइस ओवर नहीं हो पा रहा तो आज फाइनली कोशिश की है अल्लाह करे हो जाए अच्छा जी तो हमने एक साइड पर भी लगा दिया अब जो दूसरा वाला साइड है जो उसका पोर्शन जिस हम कहेंगे अब हम उस पर भी लगा देंगे लेस को अब हम इस तरह रखेंगे इस तरीके से ठीक है ये देखिए जो सीधा वाला साइड है हमने नीचे कर दिया और जो उल्टा वाला साइड है हमने ऊपर कर दिया ठीक है जी इस तरह से हमने ये लगानी है इतना लंबा चौड़ा बिल्कुल भी नहीं है यार बहुत इजी मेथड है और मेरे ख़्याल से सब लोग ऐसे ही लगाते हैं चले जी लग गई है ठीक है इस तरीके से लगेगी और ऐसी इसकी लुक आएगी उसके बाद हम इसको मज़ीद इसकी स्टिचिंग को पक्का करने के लिए इसके ऊपर एक और धागा लगा देंगे इस तरह से ताकि ये बिल्कुल पक्का हो जाए अच्छा अब अच्छा, अच्छा, जो दूसरी जो सेंटर लेस तो हमने लगा दी अब जो साइड लेस है ना वो हम इस तरह लगाएंगे इसको भी उल्टा रखेंगे और इस तरह से चारों तरफ लगा देंगे तैयार हो गई इतनी <laughs> लंबी चौड़ी कोई साइंस ही नहीं थी यार आप लोग कर सकते हो चलो आप बना के मुझे दिखाना हो इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर बताना है टूटे तो अटैक करना सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अपना बहुत ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा आजकल वैसे ही बहुत नज़ला खांसी फैला हुआ है आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा बच्चों का ख्याल रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हाफि